आज बना रहा हूँ मैं सोया चाप करी, जो कि विदाउट अनियन गार्लिक बना रहा हूँ। आप चाहो तो अनियन गार्लिक का प्रयोग भरपूर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बनाना सोया चाप करी विदाउट अनियन गार्लिक। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सोया चाप लिए, फ्रोजन सोया चाप, उनको ना पहले पानी में बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद थोड़ा स्क्वीज कर दिया जिससे उसका पानी निकल गया, और अब मैं इन्हें कट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 3 सोया चाप लिए हैं, मेरे पास 3 ही बचे थे। आप 4 पीस लेना कम से कम, इतनी ग्रेवी के लिए 4 सफिशियंट रहेंगे। और ऐसे कट कर सकते हो या फिर ऐसे तिरछे कट कर सकते हो आप, या फिर बीच में से लंबे लंबे भी कट कर सकते हो आप सोया चाप। तो ये तैयार हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है मैंने, तेल की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो ताकि आप डीप फ्राई भी कर सको। मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रहा हूँ, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे सोया चाप। अभी हमारे सोया चाप लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बनाएंगे हम ग्रेवी। तो इसके लिए ये जो ऑयल था जिसमें अभी हमने फ्राई किए थे अपने सोया चाप, उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, लगभग है 1-2 टेबल स्पून के बीच में। इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्ची डाल दी है 7-8, एक बड़ी इलायची डाल दी है, और इसमें डाल दिए हैं जीरा, जीरा है लगभग आधा छोटा चम्मच। साथ में हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्ची। आप चाहो तो कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो इसमें से, अगर आपके पास नहीं है तो। तो ये खड़े मसाले डाल दिए हैं मैंने, और इनको हल्का सा भून लेते हैं। जैसे ही भूनने की खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक और हरी मिर्ची। आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लहसुन डाल दीजिए, या फिर आप अन्य चिली गार्लिक या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, उसको भून सकते हो। ये थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर, ऐसे हाफ स्लाइस में कट कर लिए थे रफली, ऐसे ही टमाटर डाल दिए मैंने 2, और इनको अब हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। लगभग 15-20 ग्राम मैंने काजू डाल दिए हैं, काजू आप पानी में भिगो कर भी डाल सकते हो या फिर गर्म पानी में भिगो देना कुछ देर, 10-15 मिनट तब डाल देना। और अब सब कुछ एक बार सॉफ्ट हो जाए, मतलब काजू टमाटर हरी मिर्ची, गैस बंद कर दी है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम क्या करते हैं, मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून, आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे दही, 3-4 चम्मच हमने दही डाल दिया है, यहाँ मैं रनी दही ले रहा हूँ, आप चाहो तो हंकड़ भी ले सकते हो। और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ मैं 1/2 टीस्पून, आप साथ में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो। गरम मसाला डाल दिया है 1/4 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी डाल सकते हो इसमें आप, और एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो सोया चाप थे जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देते हैं इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे। आप ना इसमें हंकड़ यूज़ करना ताकि एकदम अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अभी ये ठंडा हो गया है हमारा, इसे हम डाल देते हैं जार के अंदर, कम क्वांटिटी में, इसलिए मैं छोटा वाले जार में डाल दिया है। और इसे हम पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। पीसने के बाद उसी पैन में डाल रहा हूँ आप देख सकते हो, जिसमें मैंने अभी टमाटर हरी मिर्ची को पीस भूना था। आप इसमें प्याज डाल सकते हो 1-2 प्याज, साथ में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और डाल देंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में सौंफ फेनल सीड पाउडर, सौंफ को पीस के पाउडर बना लिया वो मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ज़रूर नहीं है डालना। और ये हम डालेंगे जीरा पाउडर लगभग 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने, साथ में हींग डाल देंगे थोड़ी सी, 1 चुटकी हींग डाल दी है। और अब अच्छे से ग्रेवी को भून लेते हैं, पहले से ऑलरेडी ये भुनी हुई है तो हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस अच्छे से मसाले भुन जाएं तब तक। और अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम डालेंगे वो अपने सोया चाप जो हमने मैरिनेट किए थे वो सारे डाल देंगे ऐसे ही कैसे, और गैस की स्पीड लो कर देना इस कंडीशन में जब आप ये डालो तब। और अब क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्ची, मैंने ऐसे चीर के कट छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी 1/2 छोटा चम्मच, और
हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम, वैसे क्रीम ऑप्शनल है, डालना ज़रूरी नहीं है। क्रीम आप बटर भी डाल सकते हो लास्ट में, बस नमक और डालना है हमें। पहले ग्रेवी को टेस्ट कर लेंगे कि भाई नमक कितना हमें चाहिए इसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। पानी डाल दिया है मैंने क्योंकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए लास्ट में पानी डाला है, और शुरू में बिल्कुल पानी नहीं डालना है, हमेशा बाद में ही पानी डालिए आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ फ्रेश क्रीम, लगभग है एक डेढ़ टेबल स्पून होगी फ्रेश क्रीम, एक टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं है, एक टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल दी है मैंने। आप मलाई भी डाल सकते हैं और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद ये हमारी तैयार है, बस नमक और डाल देंगे, हल्का सा हल्का सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये हमारी सोया चाप करी बिल्कुल तैयार है, रूमाली रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन करे ऐसे सर्व कर सकते हो।